लेकिन पूजन कल जासवाल समाज द्वारा कराया जा रहा है, जो भी जुड़ा हुआ है सारे लोग कम से कम धर्म के प्रति आप लोगों को दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने। और बाबा बरखाने का गुफा फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे पूजा चल रहा है और यहीं पर उसी के उपलक्ष्य में बाबा बरखाने के उपलक्ष्य में ये पूजा पाठ कराया जा रहा है। तो आप लोग दिखाते हैं शुरू से लास्ट तक। पहले दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि हर साल बाबा अमरनाथ यात्रा करने के लिए बहुत ही कम लोग नहीं जा पाते हैं, और नहीं जा पाते हैं तो हर हमेशा उनके दिल में आस रहता है, मन में आस रहता है कि हम क्यों ना भोलेनाथ अमरनाथ का दर्शन करने जाएं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ से बाबा बर्फानी को बनाकर यहीं पर दर्शाते हैं, और यहाँ के जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी पूजन पाठ हो रहा है, अभी दिखा रहे हैं आप लोग को वीडियो में। और सबसे पहले है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जब ये लोग श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी जगह पे, पहले तो इस जगह पे बना था बाबा बर्फानी बनाए थे, और इस बार यहाँ पर बाबा बर्फानी को बनाने जा रहे हैं और इसको दर्शाएंगे। और आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग लक्ष्मी जी ये जितनी हीरा जेवरात निकला सब लोग ग्रहण किए, लेकिन जब 20 का जब कलश निकला तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे ये बाबा भोलेनाथ ही कहे कि चलो जो कुछ कोई नहीं लेता है वो मेरे को दे दो। भगवान भोलेनाथ ने जो है उस सारे 20 को ग्रहण कर लिया। जब भोलेनाथ जब 20 को जब ग्रहण किए तो इनका शरीर जो है अग्नि के जैसे ज्वाला निकलने लगा। जब ज्वाला निकलने लगी तो सारे देवता जो है आकाश मार से जो है जल बनाए। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि शिवलिंग पर भस्म का लेप लगाया जा रहा है और घी खोआ दूध के साथ। तो आप लोग देख रह सकते हैं कि भोलेनाथ जब पूजन पाठ चल रहा है तो अंकल जी से बात करते हैं। तो अंकल जी ये जो पूजा पाठ हो रहा है तो किसके उपलक्ष्य में हो रहा है, जैसे आप सावन में पूजन पाठ होता है कि अलग से आप लोग करवाते हैं? नहीं नहीं, सावन में हर साल पूरे वर्ष भर हम लोग भगवान का पूजा कर रहे हैं। देश में कल्याण बनी रहे, समाज में देश में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग खुशी पूर्वक रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, समाज कल्याण के निमित्त या जासवाल समाज द्वारा पूजन कराया जा रहा है। लेकिन पूजन केवल जासवाल समाज द्वारा कराया जा रहा है, इसकी मंशा ऐसा नहीं केवल जासवाल समाज का कल्याण हो, कल्याण पूरे देश का हो, विश्व का कल्याण, पूरे समाज पूरे विश्व का कल्याण। तो देखिए हर साल कराया जा रहा है। और सुनिए सुनिए अपना परिचय नहीं दिए, हम श्री राम जायसवाल हैं। और देखिए पीयूष कुमार जायसवाल, जो पीयूष कुमार जायसवाल जी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं ये जो धर्म के प्रति इतना श्रेष्ठा चल रहा है पूजन पाठ में, तो इन लोग जो YouTube पर देख रहे हैं लोग क्या कहना चाहते हैं आप? बस हम लोग तो यही चाहते हैं हर व्यक्ति कम से कम यहाँ पे समाज से जो भी जुड़ा हुआ है सारे लोग कम से कम धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहे और हमेशा सारे लोग पूजा पाठ में लगे रहे। पूजा ही ऐसा है कि सबका समाज का ही कल्याण हो सकता है पूजा। थैंक यू भैया। देखिए अंकल जी जुड़े हैं, आपका शुभ नाम अंकल जी? वीरेंद्र जायसवाल। विनय जायसवाल? वीरेंद्र जायसवाल। वीरेंद्र जायसवाल जी हैं, तो ये जो पूजा पाठ हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। पूजा पाठ रुद्राभिषेक आज हो रहा है जायसवाल समाज की तरफ से, और हर सावन सावन में रुद्राभिषेक कराया जाता है। रुद्राभिषेक की जनता हमेशा खुशहाल है, इसीलिए पूजा पाठ है, देश खुशहाल है। अच्छा, जनता नहीं पूरा देश खुशहाल है, देश खुशहाल है। तो देखिए अंकल जी थे और इधर भी कुछ अंकल जी हैं। और अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया है। और आप भी कुछ कहिए। क्या कहें बताइए। ये आपका शुभ नाम सबसे पहले? भान जायसवाल। पूजा पाठ है जो रुद्राभिषेक होता है लगभग अब हुआ है? सबसे बड़ी जो बात है, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, और इस सावन के पावन महीने में पूजन भंडारा लोगों के सुख दुख को भी ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ कराया जाता है। पूजा पाठ से जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के हाथ हेतु पूजन होता है। और बताइए। और बस इसमें जो है हम लोगों का सनातन धर्म ऐसा है कि विश्व कल्याण की बात सोचता है, न कि अपने कल्याण की न अपने समाज की, ये विश्व कल्याण की बात रखता है। ये जात धर्म वाली बात नहीं होती। नहीं, यहाँ जो है पूरे विश्व कल्याण की बात होती है, जैसे हम लोगों के नारे में लगाया जाता है कि विश्व का कल्याण हो। बहुत ही अच्छा बात जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं रहेंगे
प्लास्टिक ला दिए हैं। प्लास्टिक कितना लेकर, तो कितना मीटर लेकर आए हैं? 40 मीटर। 40 मीटर प्लास्टिक लेकर। बर्फ के सिल्ली कब तक आ जाएगा? पाँच बजे तक आ जाएगा। और यहाँ पर बाबा बर्फानी को जा रहे हैं हम लोग बनाने। और चलिए चलते हैं आगे, और आप लोग को लोकेशन यहाँ का दिखाए हैं अगला वीडियो में। यहीं पे भोलेनाथ के पास बनेगा और बगल में, और इधर का ये नज़ारा है।